नमस्कार, मैं हूं शाली श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बॉलीवुड में उन्हें पेमेंट के मामले में कभी बराबरी नहीं मिली। वहीं कंगना रनौत ने प्रियंका के इस बयान पर सहमति जताई है। देखिए, प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया था कि उनको अपने एक्टिंग करियर में 22 साल हो गए और इन 22 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब उन्हें मेल को एक्टर के बराबर फीस मिली हो। प्रियंका ने बताया कि सिटाडेल अब तक के करियर में उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्हें अपने मेल को स्टार के बराबर फीस दी गई है। प्रियंका ने ये बातें बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी, जिस पर अब कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है। दरअसल प्रियंका ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि बॉलीवुड में उन्हें पेमेंट के मामले में कभी बराबरी नहीं मिली। उन्होंने अब तक बॉलीवुड की लगभग 60 के करीब फिल्में की होंगी, लेकिन उन्हें कभी अपने मेल को एक्टर जितना पे आउट नहीं मिला। प्रियंका ने बताया कि उन्हें अपने मेल को एक्टर को दिए गए पेमेंट का 10% ही मिलता था। कंगना रनौत ने प्रियंका के इस इंटरव्यू को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और इस पर सहमति जताई। कंगना ने बताया कि वो एक्ट्रेसेस को एक्टर्स के बराबर पेमेंट देने के लिए लड़ने वाली पहली एक्ट्रेस हैं। कंगना का दावा है कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल कलाकार है जिन्हें मेल एक्टर के बराबर भुगतान किया गया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ये सच है कि मेरे सामने महिलाएं सिर्फ इन पैट्रियार्कल नॉर्म्स को पेश करती हैं। मैं पे पैरिटी के लिए लड़ने वाली पहली महिला थी और जो सबसे डिस्गस्टिंग बात मुझे फेस करनी पड़ी वो थी मेरे कॉम्प्लिकेटेड उन्हें रोल्स को लेकर। और सबसे डिस्गस्टिंग बात जो मुझे फेस करनी पड़ी वो है मेरी कंटेम्प्रेरीज। फिलहाल कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसके अलावा वो चंद्रमुखी 2 में भी दिखाई देगी। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।